दोस्तों YouTube का डिस्क्रिप्शन इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखेंगे? यदि इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन आप अपने वीडियो में सही से लिख देते हैं तो कोई भी वीडियो आपका वायरल हो जाता है। लेकिन लोग बाग अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हैं, किस जगह पे कैसा क्या चीज़ होना चाहिए और कैसे सर्च करके अपने डिस्क्रिप्शन में उस एलिमेंट को जोड़ना चाहिए वास्तव में जो वीडियो को रैंकिंग में काम करे। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे 7 स्टेप के बारे में बताएंगे। यदि आप इन 7 स्टेप में यदि एक भी स्टेप आप मिस कर देते हैं तो यह वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा आप छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको यह फर्स्ट में जो वीडियो है आपको शायद समझ न आए तो बोरिंग टाइप का आपको जरूर महसूस होगा, लेकिन यदि आप समझ गए इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यदि आप समझ जाते हैं तो आपका वीडियो 100%, यदि 10 वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें से आपका 2-3 वीडियो वायरल होने का 100% चांस बन जाता है। और केवल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बारे में और टाइटल के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे आप इसको इफेक्टिव तरीके से यानी लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए आप क्या अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिखें वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 जो है बिगिन विथ द ऑडियंस, यानी ऑडियंस क्या चाहता है और आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यानी आपको ऑडियंस को लेके चलना है, ऑडियंस को आप अपना वीडियो बना रहे हैं, आप अपने लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप एक दुकानदार हैं तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप जो ग्राहक होता है उसको देख के बनाया जाता है ना कि अपने लिए बनाया जाता है। क्योंकि यदि ग्राहक को आप सोच समझ के यदि आप वीडियो बनाते हैं तभी चलेगा वीडियो, लोग उसको खोजेंगे और आप YouTube पे किस लिए आए हुए हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि YouTube पे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं और जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर भी कई वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे आप बना रहे हैं लेकिन YouTube पे आपने कोई भी वीडियो बना के सीधे डाल दिया। यदि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीज़ आपका सही नहीं है तो आपका वीडियो चाहे कितना भी अच्छा हो आपका वीडियो कोई देखने वाला नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा कि आप जो यहाँ पे है कि ऑडियंस के साथ आपको ऑडियंस की मांग क्या है, परचेस क्या है, उस चीज़ पर आपको फोकस देना है और जो लोग जो आपको ऑडियंस चाह रहा है उसी टाइप का आप वीडियो बनाइए ना कि अपने टाइप का आप वीडियो बनाइए, तभी आपका वीडियो बन पाएगा। और वीडियो बनाने के बाद यह हो जाता है कि आपको इस वीडियो को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, यानी आपका वीडियो का मार्केटिंग कितना सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप डिलीवरी कर नहीं सकते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी करते हैं लोगों तक पहुंचा देते हैं इस टाइप से तो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे SEO आपका डिलीवरी का काम करता है यानी परिवहन का काम करता है। SEO पे यदि आप वीडियो अपना रख देते हैं तो हम लोगों तक पहुंचा देता है। लेकिन SEO में यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और तीसरा चीज आ जाता है यहाँ पे टैग्स। इन चीज़ों को यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं अपने वीडियो में तो यहाँ पे आपका वीडियो कई लोगों के साथ पहुँचेगा, कई नए ऑडियंस के साथ पहुँचेगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। आपने वीडियो बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप अपने वीडियो में
किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपने वीडियो में, तो आप स्टेप बाय स्टेप उन क्षेत्र को फर्श कीजिए, उस टॉपिक्स को फर्श कीजिए जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया है। लेकिन वीडियो आपने जिस टॉपिक पे बनाया है, यह वीडियो कहाँ कहाँ लोग फर्श कर रहे हैं, कौन सा बंदा फर्श कर रहा है, आप उन लोगों को टारगेट कीजिए। उनकी समस्या जो है उस टाइप से आप वीडियो बनाइए वहां पे, और लोग क्या सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब, यूट्यूब पे तो आप कई टैग्स को सर्च करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाते हैं, लेकिन आप एक क्रिएटर हैं, क्रिएटर के तौर पर यदि आप अपना दिमाग लगा के उसमें टैक्स को लगाते हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में क्या ही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, तो वो सीधे लिखेंगे कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए अपने वीडियो में, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। ये सारा चीज करने के बाद मैं तीसरा स्टेप पे चलता हूँ, मेक ए वीडियो। इन सारा चीज को यदि आप करके सर्च करके रिसर्च करने के बाद, सारा चीज करने के बाद यदि आप वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो में अपने वीडियो को इतना सजाइए कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो, वीडियो में 2 बार 3 बार आप डिलीट करके वीडियो बनाइए, अपने वीडियो का रिव्यू करके बनाइए, कहीं पे भी यदि मिस्टेक होता है तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने में समय नहीं लगता है, 10 से 20 मिनट लगता है, तो इस चीज़ को आप बार बार जरूर कीजिएगा। और चौथा चीज़ आता है कि यहाँ पे टाइटल, टाइटल आपने अपने वीडियो में सही तरीके से सर्च नहीं कर पाया तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे शादी का कार्ड जो होता है, उसमें यदि आप टॉप में शादी का वो आप डेट नहीं डालते हैं, तो डेट न डालने से आपको कार्ड किसी को दे देते हैं तो कोई मतलब कार्ड बांटने का नहीं है। तो इसी प्रकार जब आप अपने वीडियो को बनाते हैं तो वीडियो आपकी चिंदा चिंदा कर लोगों को नहीं कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आओ मुझको देखो। मान लीजिए टाइटल लिखना है, आपको किसी घर के बारे में बताना है, हाउस के बारे में बताना है, लेकिन वहाँ पे यदि आप हाउस के बारे में बताना चाहते हैं तो आपका टाइटल वहाँ पे सबसे बेस्ट टाइटल हो सकता है कि यह मकान इस जगह पे स्थित है। तो ये जगह का यदि आप नाम देते हैं टाइटल में, तो वहां पे लोग जान तो रहे हैं कि घर के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या चीज होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप घर का जगह का नाम यदि वहां पे आप डाल देते हैं तो आपका पूरा लोग वहां पे जाके देख सकते हैं और अंदर सारा चीज उनको पता हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने वीडियो में आप टाइटल डालिए तो काफी बेस्ट हो सकता है। और पांचवा चीज यहाँ पे जो है, सपोर्ट टाइटल एंड वीडियो विथ ए रिलेवेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ देते हुए अपने वीडियो का संक्षिप्त में वर्णन करके आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज आपको लिखना होगा। और यहाँ पे छठवां चीज जो है, अपने डिस्क्रिप्शन में इस चीज को डालना न भूलिएगा। यहाँ पे एड लिंक, लिंक का जिस्ट आपके वीडियो की विश्वसनीयता बढ़ा देता है। यहाँ पे आपने मान लीजिए किसी चीज पे वीडियो बनाया है, उसी चीज का यदि आप लिंक उस वीडियो में दे देते हैं तो लोग उस लिंक के बदौलत वहां पे पहुंच जाते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिससे आप रिसर्च करके बनाए हुए हैं वीडियो को, तो यहाँ पे लोगों को काफी सहूलियत मिल जाता है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाता है क्योंकि आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज आप जरूर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया वगैरह का सारा चीज आप लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे सातवां चीज और लास्ट चीज जो हैशटैग होता है। हैशटैग बहुत एकत्रित जगह यानी अंकित करता है, एक बिंदु को अंकित करता है आपके वीडियो को, वहां पे उस रेलिवेंट के तरीके आपका यहाँ पे टाइटल की तरह है, यहाँ पे हैशटैग उपयोग किया जाता है। तो आप हैशटैग करके आप जरूर उसमें अपने टॉपिक से रिलेटेड आप हैशटैग जरूर लिखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेंगे,
और ज्यादातर आपको YouTube कैसे प्रमोट किया जाता है, YouTube पे आप कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, यही चीज इस चैनल पे आपको ज्यादातर वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। साथ में यदि आप एक नए यूट्यूबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप पुराने यूट्यूबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, उसको भी आप दबा सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।